गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टडी करेंगे जिसका नाम है ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर में हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल दैट यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। ऑपरेटर है वो एक स्पेशल सिंबल है जिसका यूज होता है कैलकुलेशन करने के लिए। हमने अपनी रियल लाइफ में भी कैलकुलेशन करने के लिए कई तरह के हम सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, इनटू है, इस तरीके से। तो ये जो सिंबल्स जो कोई ना कोई कैलकुलेशन करते हैं, किसी ना किसी टाइप का रिजल्ट जनरेट करते हैं, इन सिंबल्स को हम ऑपरेटर कहेंगे। C++ आर क्लासिफाइड इन 3 फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर की यहां C++ में 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया। C++ और C दोनों में ये 3 ही कैटेगरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर, सेकंड है बाइनरी ऑपरेटर, थर्ड है टर्नरी ऑपरेटर। तो 3 ऑपरेटर की क्या हो गई कैटेगरी। यूनरी ऑपरेटर हैव ओनली वन ऑपरेंड, वह ऑपरेटर जिसके ऑपरेंड की संख्या केवल एक हो वो यूनरी कैटेगरी में आता है। बाइनरी ऑपरेटर हैव टू ऑपरेंड, जिसके ऑपरेंड कितने हो, दो ऑपरेंड हो, वो आपका बाइनरी कैटेगरी का ऑपरेटर होगा। और टर्नरी ऑपरेटर हैव 3 ऑपरेंड, जिसके 3 ऑपरेंड होंगे वो आपका टर्नरी ऑपरेटर होगा। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर वही शामिल है। यूनरी और बाइनरी में कई तरह के ऑपरेटर है, जैसे इसमें रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, या लॉजिकल नोट ऑपरेटर है, इसके अलावा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो यूनरी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट एंड ऑपरेटर्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। यानी कि वेरिएबल, कॉन्स्टेंट वैल्यू या ऑपरेटर, इनका कॉम्बिनेशन हो, यानी इनका सम्मिलित रूप हो, ऐसा कोई लाइन जिसमें वेरिएबल भी यूज हो जाए, कॉन्स्टेंट भी यूज हो और जिसमें ऑपरेटर का भी यूज किया जाए, उस लाइन को, उस स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। इट जनरेट रिजल्ट, और ये क्या करता है, कोई ना कोई रिजल्ट भी जनरेट करता है, वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा। या टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन। कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन वो होते हैं जिनमें कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज की जाती है। वेन ऑल द ऑपरेंड्स इन द एक्सप्रेशन आर कॉन्स्टेंट, यानी कि जब किसी एक्सप्रेशन में सारे के सारे ऑपरेंड्स है वो क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, तो उसको हम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 3 × 4 / 2.0 × 4 × 3, ये जो भी है यहां सारी की सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, और ये जो बीच में सिंबल लगे हुए ये आपके क्या है, ऑपरेटर्स। तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें केवल कॉन्स्टेंट वैल्यू का यूज किया गया, कॉन्स्टेंट वैल्यू वो होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, जिसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्स्टेंट रिजल्ट जनरेट होगा और सारे के सारे इसमें सिंपल वैल्यूज यूज हुई है, न कि कोई वेरिएबल यूज हुआ है। अगला जो हमारा सेकंड जो एक्सप्रेशन का टाइप है वो है इंटीजर एक्सप्रेशन। व्हेन ऑल द ऑपरेंड्स इन द एक्सप्रेशन आर इंटीजर एंड इट जनरेट रिजल्ट इन इंटीजर वैल्यू, यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर सारे के सारे ऑपरेंड्स, जो जो हम ऑपरेंड्स हम काम में ले रहे हैं वो सारे के सारे इंटीजर ही होने चाहिए, पॉइंट्स में नहीं हो सकते, फ्लोट टाइप के एक्सप्रेशन है वो उनका यूज हम नहीं कर सकते, सारे के सारे एक्सप्रेशन है वो इंटीजर टाइप के ही होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीजर एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए हम यहां देख सकते हैं, हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि 2 × 8 / 3, या जैसे 5 + 3 × x - y। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर ये 2, 8, 3 ये सारी इंटीजर वैल्यू है, या 5, 3, x, y है वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, 5, 3 इंटीजर वैल्यू है, तो वो एक्सप्रेशन जिसमें केवल इंटीजर का यूज हो, इंटीजर टाइप की वैल्यू यूज हो, उसे हम इंटीजर एक्सप्रेशन कहेंगे। अगला जो हमारा थर्ड टाइप का जो एक्सप्रेशन है वो है फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन। व्हेन ऑल द ऑपरेंड्स इन द एक्सप्रेशन आर फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, देयर आर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन। यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू यूज हो, फ्लोट टाइप की वैल्यू का मतलब है रियल नंबर, यानी जिसमें रियल नंबर का यूज हो, वो जो आपका एक्सप्रेशन है वो आपका क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए हम यहां देख सकते हैं, जैसे 3.14 ये पाई की वैल्यू है, तो ये एक फ्लोट वैल्यू है, यानी पॉइंट वाली वैल्यू है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इंटू आर, ये आर है ये वेरिएबल है, बट ये जो आर वेरिएबल है ये रेडियस है, और रेडियस भी पॉइंट्स में हो सकती है,
तो यहाँ पे ये आर 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 इंटू आर है, ये भी एक आर नाम का वेरिएबल है जो आपका क्या है फ्लोट टाइप का है, ये भी एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, पॉइंटों वाली वैल्यू है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसके अलावा ये एक एग्जांपल आप यहां भी देख सकते हो, 1.4 प्लस ए इंटू 4.0। अब ये ए है, ये एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ये भी फ्लोट टाइप की वैल्यू है, ये भी फ्लोट टाइप की वैल्यू, मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें सारी वैल्यू फ्लोट ही टाइप की हो वो आपका क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसके बाद अगला जो हमारा फोर्थ टाइप का जो एक्सप्रेशन है वो है पॉइंटर एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन एटलीस्ट इन द वन एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल देन सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द पॉइंटर एक्सप्रेशन। यानी वो एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम एक पॉइंटर का यूज हो। पॉइंटर के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन। यानी किसी दूसरी मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें पॉइंटर्स का यूज हो, पॉइंटर वेरिएबल जिस एक्सप्रेशन में हम यूज करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, पॉइंटर एक्सप्रेशन। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, मैंने इंटीजर में एक पीटीआर नाम का यहाँ पे पॉइंटर डिफाइन किया, फिर मैंने इंटीजर में एक वेरिएबल बनाया ए, ए की वैल्यू मैंने 10 असाइन कर दी, ए इंटीजर वेरिएबल जिसको 10 असाइन कर दिया, ये एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, ये एक लोकल नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इसके बाद मैंने पॉइंटर, देखो पॉइंटर का नाम लिया मैंने पीटीआर बराबर एड्रेस ऑफ ए, तो ए जो वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस किसके पास चला गया, पीटीआर के। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका क्या कहलाएगा, पॉइंटर एक्सप्रेशन। इसके बाद अगला हमारा जो फिफ्थ टाइप का एक्सप्रेशन है वो है रिलेशनल एक्सप्रेशन। इन रिलेशनल एक्सप्रेशन वी यूज रिलेशनल ऑपरेटर इज कॉल्ड द रिलेशनल एक्सप्रेशन। यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज हो। रिलेशनल ऑपरेटर वो होते हैं जिनका रिजल्ट या तो ट्रू और फॉल्स में आता है और ये दो वैल्यू या दो वेरिएबल के बीच में लॉजिकल कंपेरिजन करते हैं और उसका रिजल्ट है वो ट्रू फॉल्स में जनरेट होगा। तो रिलेशनल आपके जो ऑपरेटर है वो सिक्स टाइप के हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो वहां हम उसको बोलेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन। जैसे 55 ग्रेटर देन 65, अब ये यहां कंडीशन है ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहां ये रिलेशनल ऑपरेटर है, यहां पे ये रिलेशनल ऑपरेटर है जिनका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में जनरेट होता है। इसके बाद अगला जो हमारा सिक्स टाइप का जो एक्सप्रेशन है अगला है उसका हम बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, एन एक्सप्रेशन यूज लॉजिकल ऑपरेटर, यानी वो एक्सप्रेशन जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करके और सिंगल रिजल्ट जनरेट करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे, हम उसमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर है या लॉजिकल और ऑपरेटर है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, उनका हम उस एक्सप्रेशन में यूज करेंगे और वो क्या करेगा, मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट देगा, तो उसको हम बोलेंगे आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन। उसके बाद बिटवाइज एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन यूज बिटवाइज ऑपरेटर, यानी वो एक्सप्रेशन जिसमें बिटवाइज ऑपरेटर यूज हो। बिटवाइज ऑपरेटर है वो बिट्स पे काम करते हैं, बिट्स के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं और वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें हम बिटवाइज ऑपरेटर, जैसे ये बिटवाइज यहां पे बिटवाइज लॉजिकल एंड लगा हुआ है, ये शिफ्ट ऑपरेटर लगे हुए, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगे हुए, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, ये ऐसे इसको टिल्ड का साइन बोलते हैं। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें हम बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करते हैं ना, वो आपका क्या कहलाएगा, बिटवाइज एक्सप्रेशन। तो कुल मिला के आपके यहाँ पे सेवन टाइप के एक्सप्रेशन है जिनको हमने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी भी पॉइंट में आपके यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अपनी क्यूरी को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।